हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा जो आपका 15 अप्रैल में संपन्न हुआ है, मैथ एंड साइंस के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास मैथ और साइंस के आप आए हैं, और आप लोगों का सुबह से कमेंट्स था कि आप सबसे पहले आप साइंस के मैथ के क्वेश्चन आप जरूर कराइए, तो आपको यहाँ पर मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन जो है जितने भी मेरे पास हैं वो मैं सब यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ में दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये है आपका पहला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालीशीलता इनमें से किसके कारण हो सकती है। देखिए, आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए थे, तो देखिए बच्चों में प्रतिभाशीलता आपका एक अनुशासित दिनचर्या के कारण जो है वो हो सकती है। ठीक है, अनुशासित दिनचर्या यदि बच्चे में है तब वो है एक प्रतिभाशील बच्चा हो सकता है। तो ये आपका जो है शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ सवाल था एक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस प्रकार का एक सवाल था, 12/8/24 जो है करके दिया हुआ था, ये मैथ का है, और आपको बताना था इस जैसा ही जिससे ये संबंधित हो, दूसरा आपको ब्रैकेट्स यहाँ पर बताना था। देखिए इसके ऑप्शन में दिया हुआ था, एक ब्रैकेट दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, और 12 दिया हुआ था, और 16 दिया हुआ था। ठीक है, तो यही आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 8/12/16। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका, यदि 6 से स्टार्ट करें तो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, और 6 × 4 = 24, यानी कि 6 का 2, 3 और 4 से गुणा हो रहा है हर एक टर्म्स में। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 4 का हर एक टर्म्स में गुणा हो रहा है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, और कोई ऑप्शन में जो है इस प्रकार से बन रहे नहीं रहा था, तो यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला भला, 8, 12 और 16। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स निकालना था आपको। इसमें लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया था 1/9s² + 6s + i का। तो ये आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों, हम सबसे पहले तो लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो यदि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका, तो यहाँ पर 9 आप कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये s² + हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/3 + हो जाएगा 1/9। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर जो सीधा सीधा मैं आपको यदि कहूँ सवाल का, तो ये हो जाएगा s + 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों कि किस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है। ये हो गया आपका 1/9 s + 1/3 का होल स्क्वायर। अब बराबर में लिखेंगे फ्रेंड आपका, 1/9 आपका बाहर ले लीजिए, लाप्लास इन्वर्स लगाएंगे आप 1/s + 1/3 पर। ठीक है, अब देखिए 1/s + 1 का क्या होता है, लाप्लास इन्वर्स t के माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/9 स्क्वायर में है, तो ये आपका हो जाएगा t × t^-3। ठीक है, t × t^-1/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए dy/dx बराबर दिया हुआ था आपका 1+e^(x − y). तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, या फिर इस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। ये जो जिसको स्टूडेंट ने भेजा है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, और उन स्टूडेंट ने हमें ये भी कहा था कि इन्होंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से जो है वो किसी का भी उसमें जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें उत्तर नहीं आ रहा था। आपने यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्वेश्चन बिल्कुल सही था, और जो उसके ऑप्शन दिए हुए थे वो बिल्कुल उसमें से सटीक बैठ रहा था या फिर नहीं बैठ रहा था। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन था फ्रेंड आपका, x² + y² = 9 हो तो इसके प्राचल बिंदु कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना था। x = दोस्तों 3 cos θ, और y = इसमें 3 sin θ। ठीक है, अब देखिए इसको x और y के मान यदि इसके LHS में रखें हम, तो x का मान रखेंगे तो 3 का² cos²θ, y का मान रखेंगे 3² sin²θ, 3 का² कॉमन ले लेंगे यानी 9 कॉमन ले लेंगे हम जो हैं, और क्या हो जाएगा cos²θ + sin²θ, और 9 × 1 होता है आपका कितना, 9 होता है, यानी आपका RHS आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही होगा, इसके प्राचल बिंदु कौन कौन से हो गए, x = 3 cos θ, y = 3 sin θ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप।
ट्रिप्सिन हार्मोन्स स्त्रावित होता है। ट्रिप्सिन हार्मोन्स कहाँ से स्थापित होता है, ये आपका अग्नाशय हो जाएगा इसमें राइट आंसर, अग्नाशय से आपका ट्रिप्सिन हार्मोन्स स्थापित होता है। दोस्तों कोई भी गलती यदि हमसे हो जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, लेकिन कोई भी ऐसा कमेंट करना जो इलिटरेट होता है वो आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक एम्पियर करंट की बात करें तो एक कूलाम पर सेकंड की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। एक कूलाम पर सेकंड के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और एक कूलाम सेकंड की बात करें तो 1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा। उसको हम उल्टा करेंगे तो आपका जो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा। ऊपर आके हो जाएगा आपका 10⁻¹⁸ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.2, ये हो जाएगा आपका, और राइट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक एम्पियर करंट में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए परमाणु उत्सर्जक स्पेक्ट्रम में क्या मौजूद होता है। देखिए हाँ, ये पूछा गया था परमाणु उत्सर्जक स्पेक्ट्रम में मौजूद लाइनें जो होती हैं वो कैसी होती हैं। देखिए ब्लू कलर की होती हैं, ब्राउन होती हैं, इस प्रकार से आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये होती हैं आपका डार्क कलर की, ठीक है। किस प्रकार की होती हैं, डार्क कलर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहा है तब उसका जो मास है वो आपका इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। उसका मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सारा जो है सब कुछ ट्वेल्थ वाला ही था दोस्तों, उसमें कुछ नया नहीं था। चलिए ये देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो बर्नौली का सिद्धांत जो है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसू गैस कौन सी है। आंसू गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन है। मेरे अंदाज़े फ्रेंड इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका क्लोरीन इसका मुझे लगता है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस से पूछा गया था। तो दोस्तों कि दो क्वाइलों का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो जो है उन क्वाइलों के सेल्फ इंडक्टेंस के मल्टीपल का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। यानी एम यदि मान लें हम दो क्वाइलों का म्यूचुअल इंडक्टेंस, तब यदि एल वन और एल टू जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाइल के सेल्फ इंडक्टेंस हैं, तब उनके प्रोडक्ट का जो है वो यदि हम रूट निकालेंगे तब आपका वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है, ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो ये देखिए एडीज मच्छर होता है, एडीज मच्छर जो है वो आपका जीका वायरस का एक वाहक होता है, ठीक है। जीका वायरस जो होता है वो एडीज मच्छर के ज़्यादा फैलने से होता है। आप देखिए जीका एक प्रकार का है क्या, जीका जो है एक प्रकार का ये बुखार टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि किसी मनुष्य के अंदर जो है वो वैसे ही पहले से ही संक्रमित रोगी है, और यदि एडीज मच्छर जो उसको काट लेता है तब उसमें जो है ये बुखार उत्पन्न हो जाता है। अब इसकी एक खासियत ये होती है कि जीका वायरस जिन लोगों को होता है जीका बुखार, वो लोग अपने आप को कभी भी बीमार महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब अंदरूनी बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम का कार्य क्या है, ठीक है। हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम का क्या कार्य है। तो देखिए हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम जो है वो एक एनर्जी सप्लायर की तरह कार्य करता है, ठीक है। एनर्जी देता है जिससे क्या होता है कि लेज़र जो ग्राउंड स्टेट के आपके एटम्स हैं वो आपका जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में जो है वो जंप कर जाते हैं, किसके कारण, जब का हीलियम जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। तो ये आपका एक प्रकार से एनर्जी सप्लायर का वर्क करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। इंट्रीगल आपसे पूछा गया था, बहुत आसान सा इंट्रीगल है, 4cos 2x + 3 का इंट्रीगल पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका इंट्रीगल हो जाएगा, डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि थोड़ा सा मुझे पेन चलाने में दिक्कत होता है, लेकिन यदि आप बात करें देखिए 2sin 2x + 3 + c ये आपका हो जाएगा इसमें डिफरेंशियल, ठीक है, इसका इंट्रीगल। अब यदि इसका कैसे चेक करेंगे यदि आपका जो है सही उत्तर है या नहीं है, तब आप जो है आप एक ऐसे कर सकते थे कि ऑप्शन में से जो है हर एक का डिफरेंशियल करके देख लेते। मान लीजिए यदि हम इसका डिफरेंशियल करें 2sin 2x + 3 का, तब क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x + 3 हो जाएगा, इसको टी मान लिया हमने। अब देखिए 2s का 2 जो है गुणा में पहुंच जाएगा, 2 हो जाएगा, इस 2 से 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4cos 2x + 3, यानी कि ये हमारा बिल्कुल
सही उत्तर है कौन सा वाला वाला, ये हो जाएगा 2 sin 3 2x + 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फ्रेंड ये भी बताते रहिएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है अपने बिल्कुल सही किए हैं, इससे आपका जो है कट ऑफ बनाने में थोड़ा सा आसानी भी रहने वाला है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर्स पर जो है आपका वो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो ये भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा फ्रेंड। इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पाउली के अपवर्जन के नियम में इलेक्ट्रॉनों की स्पिन जो है वो किस प्रकार से होती है? देखिए पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की स्पिन जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, अपोजिट होती है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किसी कोई भी एटम जो है उसकी जो एन के एल एम की कक्षाएं हैं क्वांटम संख्याएं हैं उसको जो है वो इक्वल नहीं हो सकती हैं, ये कहता है पाउली का अपवर्जन नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये था फ्रेंड, इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो ये जो है एग्जैक्टली क्या है कि क्वेश्चन हमें जो है ठीक से नहीं मिल पाया है। अब ये क्वेश्चन था या नहीं था ये हमें पता नहीं है, लेकिन जिसने ये क्वेश्चन भेजा है उसने इसका आंसर जो है वो 3/7 बताया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा जब भी उन्होंने बताया है। बाकी एग्जैक्टली क्वेश्चन यदि इसका सॉल्व किया जाए, देखिए सबसे पहले हम बाई के साथ इंटीग्रल करेंगे क्योंकि बाई इसका आपका पहले दिया हुआ है। यदि इंटीग्रल करते हैं तो इसका हो जाएगा 22 हो जाएगा, लिमिट आपका लगाइएगा 0 से y, पहले लिमिट लगेगा इसमें, ठीक है, 0 से y अब लिमिट लगाइए तो यही आ जाएगा आपका, और इस पर लिमिट लग जाएगी 1 से 2, और ये हो जाएगा dx। dx के हिसाब से यदि करेंगे तो इसे हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 1 to 2। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान रख देंगे यहाँ पर, x का मान रख देंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर सॉल्यूशन जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट बैठ रहा है। आप लोग इसको जो है वो थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई और साइंस का क्वेश्चन आपसे रह गया हो, हमसे रह गया हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक फुल्ली फाइनल वीडियो मैं आपको सभी चीज़ों का बनाकर एक साथ में दे दूंगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो फ्रेंड। दोस्तों लाइक करना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जब मैं आपका इसका फाइनल वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड आंसर की के साथ साथ बिल्कुल सटीक आंसर के साथ, तब आपको जो है तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर इट।